इंडस बैटल रॉयल या फिर अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर्स, आप कौन सा खेलोगे? डिसाइड किया। और इस पर कुछ ओवर इंटेलिजेंट लोग ये कहेंगे कि हमें तो दो गेम्स ही खेलने क्योंकि दोनों गेम्स ही इंडियन गेम्स हैं। तो तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ सवाल है जो कि मैं लास्ट में पूछूंगा, तब तक तुम्हें पूरा आंसर क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ ये मकसद नहीं कि कौन सा गेम आपको खेलना चाहिए, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा बड़ा मकसद ये है कि कौन सा गेम ज्यादा पॉपुलर होगा इंडिया में, क्योंकि दोनों गेम्स ही इंडियन गेम्स है इस बार और दोनों में टक्कर तो होगा बॉस। इंडस का तो ट्रेलर अभी अभी आया है, लेकिन अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर्स 8 महीने पहले ट्रेलर आया था। कैन यू बिलीव इट ब्रो? मुझे तो सीरियसली लग रहा है UGW वाले पूरे डरे हुए हैं कि भाई अगर गेम एक बार के लिए भी फ्लॉप हो जाए, पहले दिन में ही गलत इंप्रेशन गया ना, तो बहुत दिक्कतें सहनी पड़ेगी, क्योंकि गेम में पैसा तो लगा रहे भाई ये लोग। हाँ, भले ही ऐसा हो जाए कि हमारे पैदा होते वक्त अगर गेम का ट्रेलर लॉन्च हुआ हो, तो हमारे पोते जब पैदा हो जाएंगे तब तक गेम लॉन्च तो हो जाएगा, कम से कम हम खेल के जा सकते हैं, इवन हम अपने पोतों को खेलते हुए देख सकते हैं। देखो गेम कब आएगा वो तो किसी को पता नहीं, लेकिन इसके ऊपर एक मूवी पूरा बन सकता है ये मुझे डेफिनेटली लग रहा है अभी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ये लोग जिस हिसाब से पोस्ट कर रहे हैं वीडियोस वगैरह, वो देख के लग रहा है कि इनको गेम से ज्यादा मूवी बनाने में इंटरेस्ट है। What? और ऐसे वीडियोस में मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स मिल रहे हैं, माना सबर का फल मीठा होता है, लेकिन इतना भी सबर मत करो कि कहीं फल ना सर जाए। अबे गेम लॉन्च तो करते नहीं, बस बकचोदी कर सकते हैं। गेम रिलीज भी कर दो यार, सिर्फ एड्स पे एड्स किए जा रहे हो। एक बंदे ने तो फ्रस्ट्रेशन में आके धमकी भी दे दिया कि गेम अगर लॉन्च हुआ तो रेटिंग गिरा देंगे अगर गेम अच्छी नहीं हुई तो, और उसको UGW वालों ने रिप्लाई भी किया है डर से। भरोसा रखो, गोली चली है तो हिट होगी ही, एकदम निशाने पर। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो। मजाक के साइड, बट अगर आपको सीरियसली अभी लॉन्च करना ही नहीं है तो बेफालतू के ट्रेलर्स वगैरह मत चलाया करो, ये बहुत ही गलत इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इन लोगों ने गेम का ट्रेलर दिखाया नहीं है, इन लोगों ने सिर्फ सिनेमैटिक वे में कैरेक्टर्स को और क्या कुछ होने वाला है गेम के बारे में थोड़ा मोड़ा ऐसे जोश जुनून जगाने के लिए वो चीज दिखाया, बट एक्चुअल गेम के अंदर के ग्राफिक्स कैसे होने वाले हैं, कैसे फायरिंग होने वाला है, कैरेक्टर्स कैसे होने वाले हैं, इंडस ने जिस तरीके से अपने ट्रेलर को लॉन्च किया वैसे इन लोगों ने ट्रेलर नहीं दिखाया। इसका मतलब एक ही है कि गेम पूरी से डेवलप्ड नहीं था उस टाइम पे भी, जस्ट एक होप देने के लिए कि एक इंडियन गेम हम बना रहे हैं और ये आ रहा है, बस इन लोगों ने वो ट्रेलर बना दिया। कुछ चीजें हैं जो कि दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करता है, जैसे कि फ्यूचरिस्टिक गेम का होना। इंडस गेम एक फ्यूचरिस्टिक गेम होने वाला है और अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर्स एक नॉन फ्यूचरिस्टिक गेम, पूरा इंडियन ट्रेडिशनल मॉडल पे बेस्ड गेम होने वाला है। ये दोनों गैप है ना, ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, और शायद से अगर अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर कहीं पे बीट कर जाए इंडस को बहुत तगड़े तरीके से, तो ये एक वे हो सकता है जिस जगह पे कर सकता है, क्योंकि इंडिया में नॉन फ्यूचरिस्टिक गेम्स बहुत चलते हैं, लोगों को कॉम्प्लिकेटेड या फिर उस तरीके की कॉम्प्लेक्स गेम्स पसंद नहीं आते, ये नॉर्मली देखा गया है। अब हमें किसी को नहीं पता कि इंडस को लोग कितना पसंद करने वाले, क्योंकि ये गेम अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। पिछले जो सालों में होते हुए हमने देखा है एपेक्स के साथ, फोर्टनाइट जैसे गेम्स कभी पॉपुलर नहीं हुए इंडिया में, तो ये सारे रीजंस एक चीज तो इंडिकेट करते हैं कि फ्यूचरिस्टिक गेम्स कहीं ना कहीं इंडिया में चलते नहीं है। इंडस का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इंडस तीनों प्लेटफॉर्म में लॉन्च होने वाला है, मोबाइल के साथ साथ पीसी और कंसोल प्लेयर्स भी खेल सकते हैं, सो दैट कुड बी पॉसिबल द बिगेस्ट रीजन जिससे अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर शायद बीट हो जाए। बट दोनों गेम्स चलेंगे कैसे डिवाइसेस पर, क्या एवरेज डिवाइसेस पर चल जाएंगे? तो अभी तक मैंने जिस तरीके से ऑब्जर्व किया है दोनों गेम्स को, यस, दोनों गेम्स ही कैपेबल है जो कि एवरेज डिवाइसेस पर चल जाएंगे, और बनाया भी ऐसे जा रहा है कि इंडियन प्लेयर्स मैक्सिमम मोबाइल्स में खेल सके। इंडस का एक बहुत बढ़िया टारगेट और बहुत बढ़िया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मुझे ये लगा कि ये लोग टोटली टारगेट करके बैठे हुए वर्ल्ड वाइड को, वर्ल्ड मार्केट को, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर का अभी फिलहाल के लिए टारगेट है पूरा इंडियन मार्केट। सो हो सकता है इंडिया को तो ये लोग कैप्चर कर लेंगे, बट बाहर की दुनिया को अभी कैप्चर कर नहीं पाएंगे until and unless ये अपने रेंज को बढ़ाते हैं या फिर पॉपुलैरिटी गेन इंडिया में करते हैं, क्योंकि जब तक गेम इंडिया में पॉपुलर नहीं होता तब तक वो बाहर एक्सपैंड नहीं करने वाले गेम को, इतना तो मुझे लग ही रहा है। लेकिन दूसरी साइड पे इंडस ने लंदन के बिलबोर्ड पर तो अपना बैनर लगा दिया था, इसका मतलब एक चीज तो है कि पूरी तैयारी चल रही है कि पूरे हर एक कंट्री को फोकस करके गेम लॉन्च होगा। अब इससे हमें क्या वैसे, देखो पर्सनली अगर सोचे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है इससे फायदा, लेकिन अपने देश के बारे में अगर सोचे तो बहुत बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि बाहर के पैसे हम अपने देश में ला पाएंगे। जैसा आज तक हम लोग बाहर के गेम्स के लिए कर रहे थे, वो लोग आके हमारे पैसे लेके जा रहे थे, अब हमारा गेम जाके उनके घर से उनका पैसा उठा के लाएगा, और 2030 तक इंडिया बहुत आगे चला जाएगा। जब कंपनी दो अलग अलग होती है ना, तब उन दोनों का मेन इंटेंशन रहता है एक दूसरे को बीट करना, कम्पीट करना एक दूसरे के साथ। अगर कोई नेगेटिवली देखेगा तो वो सोचेगा भाई यार क्या हो रहा है, ये तो दोनों गेम्स एक साथ फाइट कर रहे हैं, एक ही देश का प्रोडक्ट है फिर भी ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो गलत हो रहा है। बट अगर कोई पॉजिटिवली देखेगा ना, तो उसको लगेगा यार ये अच्छा हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन जब रहता है तब एक दूसरे से अच्छा करने की कोशिश करता है, और इससे
अल्टीमेटली फायदा किसको होता है? देश को फायदा होता है। छोटी मोटी और कुछ चीजें हैं जो कि कंपनी अपने टीम के साथ कैसे काम कर रही है एक्टिवली, और प्लेयर्स को कितना सपोर्ट कर रही है, क्या कुछ गेम के लिए क्या कुछ सोच रही है, और फ्यूचर प्लान्स क्या कुछ है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि फैक्टर बन जाते हैं बाद में जाके कि कोई भी गेम कैसे कितना पॉपुलर होगा। अब जैसा कि मैंने शुरुआत ही में कहा था कि कुछ ओवर स्मार्ट और ओवर इंटेलिजेंट लोग ये कहेंगे कि हमें तो दो गेम्स ही खेलने हैं क्योंकि दोनों ही इंडियन गेम्स हैं। दो गेम्स खेलने का मतलब होता है कि दो गेम्स को हम एक्टिवली खेलने वाले हैं। खेलना इसको नहीं बोलते कि हमने एक दिन के लिए खेला UGW एंड देन हम अचानक से इंडस में चले गए, या फिर इंडस को एक दिन के लिए खेला, दो दिन के लिए खेला, या फिर बीच बीच में कभी भी खेल लेते हैं, कभी भी मन करता है एक बार ऑन कर लेते हैं, एक बार देखते चलो क्या इसमें हो रहा है वो हो रहा है, और फिर आ जाते एक पर्टिकुलर गेम में जिसमें हम ज्यादा टाइम देते हैं। इसको दो गेम खेलना नहीं बोलते। ऐसे तो भाई फ्री फायर प्लेयर्स भी पबजी खेलते थे और पबजी प्लेयर्स भी फ्री फायर खेलते थे। बात तो सही है। अगर कल तुमसे कोई ये पूछेगा कि तुम्हें लूडो खेलना है या चेस, तुम जरूर बता दोगे कि मुझे दोनों खेलना है क्योंकि मुझे दोनों ही आते हैं। बट अगर कोई तुम्हें ये पूछेगा कि करियर कौन से में बनाना है, क्या बोलोगे? एनीवन? सिमिलरली ये होता है कि कोई एक गेम होता है जिसपे आप करियर के लिए सोचते हो। नाउ देखो, क्रेज तो दोनों गेम्स का ही रहेगा, लेकिन जो ज्यादा पहले शुरुआत करेगा वो जीत जाएगा। नाउ देखो, ज्यादा क्रेज मतलब ज्यादा कंटेंट, ज्यादा पॉपुलैरिटी और ज्यादा ई-स्पोर्ट्स होने के चांसेस। और इंडस ने ऑलरेडी ये बोल दिया कि हम लोगों का मेन टारगेट है ई-स्पोर्ट्स को इंडिया में ग्रो करना। हालांकि नो डाउट UGW में भी ई-स्पोर्ट्स जरूर होंगे, वहां पे उन लोगों ने ऑलरेडी बता भी दिया है कि हम लोग भी ई-स्पोर्ट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली एज अ प्लेयर आपको एक गेम को चूज करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, दो गेम्स खेलकर आप दोनों में तो प्रो बन नहीं सकते हो। एक को ज्यादा टाइम देना ही पड़ेगा जिसपे आप ज्यादा अटेंशन देना चाहते हो, जिसपे आप करियर की तरफ सोच रहे हो या फिर कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि कौन सा आपको खेलना चाहिए। मैं कोई नहीं होता हूं आपको सजेस्ट करने वाला कि ये खेलो ये मत खेलो, ये खेलो मत खेलो। दोनों गेम्स अपने अपने तरफ से बेस्ट होने वाले ऑब्वियसली, क्योंकि टाइम तो ले रहे दोनों गेम्स ही। और इंडियन है तो डेफिनेटली आई एम नॉट गोना से एनीथिंग अबाउट कि भाई ये गेम खेलो वो नहीं खेलो। बट इनर सेटिस्फेक्शन को वैल्यू देना और अल्टीमेटली अपॉर्चुनिटी के लिए भागना, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी के बिना भागोगे तो बेफालतू का टाइम वेस्ट कर लोगे दोबारा से, जहां पे कोई मायने नहीं रखता। अगर तुम गेम एक साल खेलो, दो साल खेलो, कैसे भी कुछ खेलो, कोई फायदा नहीं होने वाला। सो अल्टीमेटली गो फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। तो आज के लिए इतना ही। अगर इंडस गेम के बारे में अभी तक देखे नहीं हो, कुछ पता नहीं है, तो मेरे वीडियोस को जाके देखो, सब कुछ पता चल जाने वाला है, A to Z पता चल जाने वाला है कि गेम के अंदर क्या होने वाला है, गेम कब आने वाला है, एवरीथिंग पता चल जाने वाला है। वीडियो का लिंक मैंने यहां पे दे दिया, ठीक है। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार गुड बाय, सब अच्छे से रहना। बाकी साइनिंग ऑफ।